गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट 6 बड़ी की मात्रा से बना हुआ पुस्तक अभ्यास करेंगे, मतलब कि आज हम बुक फिल करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बड़ी की मात्रा की पहचान हम पहले से ही जानते हैं कि जो हमारी बड़ी की मात्रा होती है वह हमेशा अक्षर के बाद लगाई जाती है, यानी कि इस टाइप से ऐसे, ये हमेशा हमारे अक्षर के बाद लगाई जाती है। जो इसका साउंड होता है वो थोड़ा सा खिंच कर आता है, थोड़ा लंबा आता है, जिससे हमें पहचान होती है कि हमें बड़ी की मात्रा लगानी है स्टूडेंट्स। और जो हमारी छोटी की मात्रा होती है वह हमारी अक्षर से पहले लगाई जाती है और इसका जो साउंड होता है थोड़ा छोटा होता है, मतलब कि जो इसका साउंड होता है वो खिंच कर नहीं होता है, इसका उच्चारण छोटा आता है। और जो हमारी बड़ी की मात्रा होती है स्टूडेंट्स वह अक्षर के बाद में लगाई जाती है। ओके, और इसका साउंड है वो हमेशा थोड़ा सा खींच कर आता है। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गई हमारी मात्रा की पहचान। स्टूडेंट्स, अब हम बड़ी की मात्रा से बना हुआ पुस्तक अभ्यास करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हम बड़ी की मात्रा वाले शब्दों पर सही का निशान लगाइए। स्टूडेंट्स, यहाँ हमको ये कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, ये लाइन में हमको देखना है ये कि कहाँ पर हमारी बड़ी की मात्रा लगी हुई है। स्टूडेंट्स, हम इसको रीड करके इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ओके, देखिए, प पपी छोटी की मात्रा पी, न क्या शब्द हुआ पेन, मतलब कि बड़ी की मात्रा का साउंड है ही नहीं, तो इस वर्ड पे हमको राइट नहीं करना है। नेक्स्ट पढ़ते हम ना, ना पे बड़ी की मात्रा नी ल म, क्या शब्द हुआ स्टूडेंट्स नीलम, तो ये जो हमारा साउंड है थोड़ा खिचके आया ना, तो यहाँ पर हमको राइट का निशान लगाना है। ओके, यहाँ पर हमें बड़ी की मात्रा से बने हुए शब्द दिए, वहाँ पर हमको राइट का निशान लगाना है। सेकंड वाला हम पढ़ेंगे स्टूडेंट, देखिए, प पापे बड़ी की मात्रा पी त ल, क्या हुआ पीतल, तो इसमें भी बड़ी की मात्रा है क्योंकि ये अक्षर के बाद में लग रही है, तो इस पर भी हम राइट का साइन लगाएंगे। ओके, तो ये क्या हो गए हमारे शब्द। इसके बाद लास्ट हमको दिया है द, त पी छोटी की मात्रा दी ल, क्या हुआ दिल, तो इसमें तो हमारी छोटी की मात्रा लगी है, मतलब कि हमें इन्हें राइट नहीं करना है। अब हम आते हैं ख वाले पर। ओके, देखिए, अब इसमें भी जो भी वर्ड हमें बड़ी की मात्रा की दिए हैं उसे हमें राइट करना है। देखिए, त तापे बड़ी की मात्रा तीर, तो इसमें हमारी बड़ी की मात्रा लिखी है, तो इस पर हमको करेक्ट कर दिया। नेक्स्ट है प पापे बड़ी की मात्रा पी न, क्या हुआ पिन, तो इसको हमें राइट नहीं करना है। नेक्स्ट है ह ह र, रापे बड़ी की मात्रा री, क्या हुआ हरी, तो इस पर हमको क्या कर देंगे हरी। ओके, तो हमारा ये हो गया। अब हम आते हैं स्टूडेंट्स ग वाले पर। अब देखिए, इसमें देखेंगे ब क र, रापे बड़ी की मात्रा री, क्या शब्द हुआ बकरी, तो इसको हमने क्या किया राइट, क्योंकि इसमें है हमारी बड़ी की मात्रा। नेक्स्ट हमारा मी, मा, मा पे छोटी की मात्रा मी ल, तो ये इसमें छोटी की मात्रा, इसे हमें राइट नहीं करना है। नेक्स्ट देखेंगे मा, मा पे बड़ी की मात्रा मी ल, क्या शब्द हुआ स्टूडेंट्स मील, तो इसे हम राइट कर देंगे क्योंकि इस पर क्या लगी हमारी बड़ी की मात्रा। नेक्स्ट वर्ड है ख, खा पे बड़ छोटी की मात्रा खी ल, ये है हमारा खिल, तो इसे हम राइट नहीं करेंगे। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट वाले पर। अब हम करेंगे घ वाला, त तापे छोटी की मात्रा ती ल, क्या शब्द हुआ स्टूडेंट्स तिल, तो इसे हमें राइट नहीं करना है। नेक्स्ट है क, कापे छोटी की मात्रा की ला, तो हुआ किला, तो इसे भी हम राइट नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे वर्ड स्टूडेंट्स हम, क, कापे बड़ी की मात्रा की ल, क्या शब्द हुआ कील, तो इसमें बड़ी की मात्रा है, तो इसे हमें राइट करना है। अब हम नेक्स्ट वर्ड देखेंगे मा, मापे बड़ी की मात्रा मील, क्या शब्द हुआ मील, तो इसे हमने राइट किया। अब स्टूडेंट्स, ये हमारा प्रश्न क्रमांक 1 है वो हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 2 पर। ओके, चलिए स्टार्ट करेंगे। वर्णों को उलट पुलट कर
सही शब्द बनाइए और लिखिए। स्टूडेंट्स, ये जो हमें जो वर्ड्स दिए हुए हैं ये हमें प्रॉपर अरेंज करके नहीं दिए हुए हैं, इन्हें हम वर्ड्स को इन वर्ड्स को हमें प्रॉपर अरेंज कर करके लिखना है। देखिए, क ल ड़ी कोई वर्ड होता है क्या स्टूडेंट्स? नहीं होता है ना, तो हमें वर्ड बनाना है। देखिए, ल क ड़ी तो क्या शब्द होना स्टूडेंट्स? ये लकड़ी। तो फर्स्ट वाले ब्लैंक में हमको लिखना है लकड़ी, ओके। सेकंड वाले पर आएंगे हम, देखिए, फरकी कोई वर्ड होता है क्या स्टूडेंट्स? नहीं होता है ना, तो कैसे करेंगे? फकीर तो क्या शब्द बना स्टूडेंट्स? ये फकीर, ओके। अब हम आते हैं नेक्स्ट वन में, पपील। पपील कोई वर्ड नहीं होता, पीपल का तो पेड़ होता है ना, तो ये क्या शब्द बना हमारा? पी पल। इनको हमें स्टूडेंट सही से अरेंज करके एक मीनिंगफुल शब्द बने उस टाइप से करना है, ओके। नेक्स्ट देखेंगे हम ली छ म कोई शब्द होता है? नहीं ना, तो म छ ली तो क्या शब्द होना स्टूडेंट्स? ये मछली। तो यहाँ हमने लिखा मछली। अब आते हैं हम घ वाले पे, देखिए एक मिनट, देखिए ये है हमारा वर्ड दी कप कोई वर्ड होता है क्या? नहीं ना, तो क्या शब्द बनेगा स्टूडेंट्स? ये हमारा दीपक, ओके। क्या शब्द बनाइए? दीपक, ओके। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड पे, देखिए हम नेक्स्ट वर्ड, ओके। क्या वर्ड बना हमारा? दीपक, ओके। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे, देखिए सी रली कोई वर्ड होता है क्या? नहीं होता है, तो क्या होता है? र सी ली तो लास्ट वाले ब्लैंक में हमको लिखना है रसीली, ओके। तो ये हमारा प्रश्न क्रमांक टू भी पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम आते हैं प्रश्न क्रमांक तीन पर स्टूडेंट्स, देख क्या है क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, वर्ण और ई की मात्रा जोड़कर शब्द बनाइए। मा जमा बड़ी की मात्रा जमा ला तो क्या हुआ? मील। तो यहाँ हमको लिखना है मील, ओके। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ओके। देखिए प वाला प जमा बड़ी की मात्रा जमाता जमाला क्या वर्ड हुआ? पीतल, ओके। क्या शब्द बनाइए? पीतल, ओके। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट वर्ड पे, घ वाले ख वाले पे, न जमा बड़ी की मात्रा जमा रा क्या हुआ? नीर। तो यहाँ हमने लिखा स्टूडेंट्स नीर। अब हम आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, ओके। देखिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा प जमा त जमा न जमा बड़ी की मात्रा जमा ल जमा बड़ी की मात्रा क्या शब्द हुआ स्टूडेंट्स? पतीली। तो यहाँ हमने लिखा पतीली। अब हम आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द जमा बड़ी की मात्रा जमा पा क्या वर्ड हुआ स्टूडेंट्स? ये दीप। क्या हुआ ये हमारा स्टूडेंट्स वर्ड? दीप। तो यहाँ हमने लिखा दीप, ओके। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे, देखिए हमारा नेक्स्ट वर्ड है र जमा स जमा बड़ी की मात्रा जमा ल जमा बड़ी की मात्रा तो क्या शब्द हुआ स्टूडेंट्स? ये रसीली। तो हमने यहाँ पर लिखा रसीली। स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री भी है हमारा वो ख़त्म हो गया। स्टूडेंट्स, अब हम अपने क्वेश्चन नंबर फाइव पे आते हैं, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए, ओके। देखिए लड़की का क्या नाम था? आपने पार्ट पढ़ा है ना, लड़की का क्या नाम था? मीरा। तो हमें मीरा पे राइट कर देंगे, ओके। अब हम आते हैं ख वाले पर, लड़की कहाँ नहाने गई? लड़की कहाँ नहाने गई थी? नदी में या तालाब में? कहाँ पे? तालाब में, ओके। तो क्या राइट करना है हमको? तालाब, ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे ग वाला, तालाब में कौन पानी पी रहा था? कौन पानी पी रहा था? चील। तो हमने चील को राइट किया।
ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे शब्द रचनात्मक अभिव्यक्ति दी हुई है, इसे हमें कंप्लीट करना है। शब्द रचना कीजिए और खाली स्थान लिखिए। देखिए स्टूडेंट की क्या है, इम ली, तो यहाँ फर्स्ट वर्ड को हमको क्या लिखना है, इमली। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाला क, और ये स्ली को ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ये वर्ड कली, तो यहाँ हमको लिखना है कली। ओके, अब हम नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, ठीक है, ती त, और इसमें ली ऐड करेंगे तो क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये तितली, तो यहाँ हमको लिखना है तितली। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखिए म छ, लाइट करेंगे तो क्या कौन से शब्द बनेगा स्टूडेंट्स, ये मछली। तो हमारा ये जो वर्ड रचनात्मक अभिव्यक्ति है ये पूरा स्टेप से आपको अपनी बुक में कंप्लीट करनी है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए नीचे की तरफ देखिए, चित्र क्वेश्चन नंबर हमारा ये टू है, चित्र को पूरा करके उसमें रंग भरिए और नाम लिखिए। स्टूडेंट्स ये हमें मछली और तितली का चित्र दिया है, इसे हमको उसमें अब कलर्स भरने अच्छे अच्छे से और इसको कंप्लीट करके उसके नाम लिखने हैं और मुझे सेंड करना है। स्टूडेंट्स आई होप आपको ये पूरी बुक एक्सरसाइज अच्छे से समझ आई होगी, आप अपनी बुक फिल करके और आपको ये मुझे शो करनी है। ओके स्टूडेंट, मतलब कि आपको अपनी वर्क का पिक क्लिक करके अपने ग्रुप पे सेंड करना है और आप लोग अपना वर्क मुझे ज़रूर दिखाइए, जिससे मैं आपको बता पाऊँगी कि आप लोग अच्छे से कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एवरीवन।